ट्रेडर थिंकिंग, प्रो ट्रेडर कैसे सोचते हैं, प्रो ट्रेडर का ट्रेडिंग प्लान क्या होता है, प्रो ट्रेडर का ट्रेडिंग सेटअप क्या होता है, और ट्रेडिंग साइकोलॉजी में मास्टर कैसे हासिल करते हैं, और ट्रेडिंग करते समय वो डरते क्यों नहीं हैं, और प्रो ट्रेडर होते कौन हैं। दोस्तों मैं बहुत सिंपल और आसान तरीका बताऊंगा जिससे आपका भी लाइफ बदल सकता है और आने वाले समय में आप भी प्रो ट्रेडर बन सकते हैं। तो प्रो ट्रेडर होते कौन हैं? दोस्तों प्रो ट्रेडर हम जैसे बंदे होते, स्टार्टिंग में बिगिनर में रहते हैं, वो 4 साल 5 साल 6 साल 10 साल काम करते हैं, तो वही धीरे धीरे सीखते सीखते वो प्रो ट्रेडर बन जाते हैं। तो प्रो ट्रेडर सोचते कैसे हैं? तो दोस्तों सबसे पहले क्या है, प्रो ट्रेडर ट्रेडिंग करने से पहले रात में ट्रेडिंग प्लान बनाते हैं। प्लान के मतलब वो ट्रेडिंग, ये प्लान होता है कि मुझे कहाँ बाई करना है, कहाँ सेल करना है, क्यों बाई करना है, क्यों सेल करना है, मेरा स्टॉप लॉस कितना होगा, मेरा टारगेट क्या होगा, मेरा रिस्क मैनेजमेंट क्या होगा, मेरा मनी मैनेजमेंट में उसको पता रहता है। इसके बाद सेटअप होता है, सेटअप उसी को सेटअप भी बोलते हैं। सेटअप का मतलब ये होता है कि आपके पास कोई स्ट्रेटजी होगा जहाँ आपको ये पता है कि मैं स्ट्रेटजी को फॉलो करके मुझे यहाँ पर एंट्री लेना है, वहाँ मेरा टारगेट है, मेरा स्टॉप लॉस ये है, मतलब सब कुछ उसको पहले ही पता रहता है। अगर लॉस होगा मार्केट में, लॉस होगा तो मुझे छोटा लॉस लेना है, प्रॉफिट बढ़ा लेना है, छोटा लॉस प्रॉफिट बढ़ा लेना है, तो उसको पता रहता है कि मेरा लॉस कितना होगा, मेरा टारगेट क्या है, और टारगेट की तरफ वो बैठे रहते हो। बिगिनर क्या करते हैं, लॉस में बैठे रहते हैं, प्रॉफिट में जल्दी निकल जाते हैं, थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ तुरंत एग्जिट हो जाता है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हम उस पौधा में पानी डाल रहे हैं जो पौधा ऑलरेडी सूख चुका है, और उस पौधा में हम लोग पानी नहीं डालता है जो फल दे रहा है। तो फल देने वाला पौधा को हम लोग क्या करते हैं, काट देते हैं, और जो फल देता है नहीं उसमें हम लोग पानी डालते हैं। तो ये सिंपल स्टोरी है। प्रो ट्रेडर क्या करते हैं कि लॉस में वो तुरंत एग्जिट हो जाते हैं और प्रॉफिट में वो बैठे रहते हैं। मतलब उसको पता रहता है कि मुझे यहाँ बाई करना था, वो टारगेट है, तो वो टारगेट जो उसका टारगेट रहता है वहाँ तक वो रुके रहते हैं। हाँ अगर प्रॉफिट हो गया तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगाते हैं। लेकिन वही बिगिनर ये गलती करते हैं कि थोड़ा भी प्रॉफिट हो गया दिख रहा है तो तुरंत एग्जिट हो जाते हैं, लेकिन प्रो ट्रेडर जल्दी एग्जिट नहीं होते हैं। उसको पता रहता है या तो मेरा टारगेट मिलेगा या तो मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा, दो चीज़ उसको पता रहता है ये, और वो उसको फॉलो करते हैं जिसको जैसे वो अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। दूसरी बात, उसको पता रहता है कि मुझे आज कितना ट्रेड करना है, 2 3 4 5 उसको पता रहता है। तो पहले से वो पता रहता है कि मुझे आज 3 या 4 ट्रेड करना है, उसको पहले से ही पता रहता है कि मुझे आज 1 लाख का लॉस करूँगा, उससे ज़्यादा मैं लॉस नहीं कर सकता। वो पहले इसको पता रहता है, लॉस उसको पहले पता रहता है, उसको टारगेट पता रहता है कि मुझे आज 10 लाख रुपये कमाना है, तो वो सब पहले उसको पता रहता है। तो मैं अगेन बोल रहा हूँ, प्रो ट्रेडर होते ही हैं, वो सुबह उठते हैं, ट्रेडिंग प्लान बनाते हैं, ट्रेडिंग सेटअप रहता है, फिर ग्लोबल मार्केट देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट में चल क्या रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, डाउ जोन्स गिरा है कि ऊपर उठा है, नैस्डैक ऊपर गिरा है कि नीचे गिरा है, एसजेक्स निफ्टी देखता है, वो सब ग्लोबल मार्केट में आ जाता है, ग्लोबल मार्केट जरूर वो लोग देखते हैं। इसके बाद वो ट्रेडिंग प्लान बनाते रात में ही बना लेते हैं। इसके बाद उसका उसके पास कोई ना कोई स्ट्रेटजी होता है, तो उसको पता रहता है मुझे कहाँ बाई करना है, कहाँ सेल करना है, क्यों बाई करना है, क्यों सेल करना है, इसका स्टॉप लॉस पता रहता है, मुझे स्टॉप लॉस इतना रहेगा, मैं आज एक दिन में 1 लाख से ज़्यादा लॉस नहीं करूँगा, कमाऊँगा तो 5 लाख कमाऊँगा या 10 लाख कमाऊँगा, उससे भी ज़्यादा कमाऊँगा, उसको ये पता रहा है। इसके बाद वो मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं। मतलब इसके पास मान लीजिए 10 लाख रुपया है, तो 1 ईयर वो 1 लाख से ट्रेड करते हैं और 9 लाख रुपया रखे रहते हैं। जैसे इसके ये और ये एक चीज़ और फॉलो करते हैं, बिगिनर क्या करते हैं स्टार्टिंग में, कभी 100 लॉट से, कभी 100 क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं, किसी दिन 50 क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं, किसी दिन 500 क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं, किसी दिन 25 क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं, जिसकी वजह से किसी दिन उसको मान लिया छोटा क्वांटिटी से ट्रेड किया था, किसी दिन मान लिया प्रॉफिट हो गया, लेकिन वो क्वांटिटी साइज बढ़ा लेता है तो जो भी प्रॉफिट रहता है तो वो अपने आप लॉस में हो जाता है। जिस दिन मार्केट गिरता है हमारे जो क्वांटिटी साइज इस दिन बढ़ाया रहता है तो उसका लॉस जो भी प्रॉफिट होता है सब उसका लॉस में बदल जाता है। लेकिन इसको प्रो ट्रेडर करते क्या है, वो मतलब रेगुलर फिक्स कर लेते कि मुझे आज 1000 क्वांटिटी से ट्रेड करना है, 1 महीना 2 महीना, जैसे वो पहले फिक्स करके मुझे 2 महीना 1000 क्वांटिटी से ट्रेड करना है, उससे ज़्यादा बढ़ाना नहीं यानी घटाना है। इससे ये क्या है कि प्रॉफिट भी होगा तो उसको अपना वो
वो कैलकुलेट किया रहता है कि मुझे इतना प्रॉफिट हो सकता है और लॉस भी होगा तो उसको लॉस भी पता रहता है। मान लीजिए किसी दिन प्रो ट्रेड मान लीजिए 2000 क्वांटिटी से ट्रेड किया, किसी दिन मान लीजिए 1000 क्वांटिटी से ट्रेड किया, तो मान लीजिए 1000 क्वांटिटी से ट्रेड किया तो मान लीजिए 5 दिन ट्रेड किया तो प्रॉफिट हो गया। मान लीजिए किसी दिन 2 दिन लॉस हो गया तो फिर वो जो लॉस होता था फिर वो प्रॉफिट लॉस होता है तो प्रॉफिट वाला भी पैसा लेके चला जाता है। तो वो फिक्स कर रहा था कि मुझे 3 महीना या 4 महीना या ये 1 महीना 1000 क्वांटिटी से ट्रेड करना है, ये पहले उसको पता रहता है। वही बिगिनर क्या करते हैं, रेगुलर चेंज करते रहते, कभी 100 क्वांटिटी, कभी 500 क्वांटिटी, कभी 1000 क्वांटिटी, कभी 25 क्वांटिटी, जिसके वजह से उनको किसी दिन मान लीजिए छोटा क्वांटिटी से ट्रेड करा तो प्रॉफिट भी हो गया हो जाता है। अब मान लीजिए किसी दिन बड़ा क्वांटिटी से ट्रेड कर लेते हैं और लॉस हो जाता है तो जितना भी प्रॉफिट रहता है सब लॉस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये सोचते हैं। इसके बाद उसके पास रिस्क मैनेजमेंट होता है। रिस्क मैनेजमेंट के मतलब ये होता है कि उसको पता रहता है कि मुझे एक ट्रेडिंग में एक जो ट्रेड लेता है उसमें मुझे लॉस कितना हो सकता है, पहले उसको पता रहता और प्रॉफिट भी उसको पता रहता। इसके बाद वो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो को फॉलो करते हैं, कोई अपना हिसाब से फॉलो करते हैं, कोई 1:2 भी रखते हैं, मतलब आज 500 रुपया लॉस करना था 1000 रुपया कमाना है, कोई 1:3 भी रखता है कि आज मुझे 500 रुपया कमा लॉस करना था 1500 रुपया कमाना है, कोई अपने अपने एक्सपीरियंस के वजह से रखते हैं, ये उसको पता रहता है। और माइंड है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी कब काम करता है, जब आप मार्केट में एंट्री लेते हो तब ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ट्रेडिंग इमोशनल वो स्टार्ट होता है। स्टार्ट ये होता है कि प्रॉफिट में आप खुशी होंगे, लॉस में आप दुखी हो जाते होंगे, टेंशन आ जाता होगा, सो होता है साइकोलॉजी इमोशन। तो प्रो ट्रेडर रात में ही प्लान कर लेते हैं कि मुझे कहाँ बाई करना है, कहाँ सेल करना है, इसके पास कोई ना कोई एक सेटअप और स्ट्रेटजी रहता है, तो उसमें इसको पता रहता है मुझे कहाँ बाई करना है, कहाँ सेल करना है, क्यों करना है बाई, क्यों करना है सेल, टारगेट में स्टॉप लॉस में इसको स्टॉप लॉस पता रहता है तो वहाँ पर चुपचाप एग्जिट हो जाता है, और टारगेट में भी जब तक उसको टारगेट नहीं मिलता है तब तक वो एग्जिट नहीं होते हैं। तो उसको ये पता रहता है मेरा स्टॉप लॉस क्या है, रिस्क मैनेजमेंट उसको पता रहता है, मनी मैनेजमेंट उसको पता रहता है, और ट्रेडिंग साइकोलॉजी उसको अच्छे से इम्प्रूव रहता है, ट्रेडिंग इमोशनल वो अच्छे से वो जानता है, जिसकी वजह से उनको लॉस कम होता है प्रॉफिट ज़्यादा होता है। लेकिन आप अगर आप बिगिनर हैं तो मैं फिर अगेन आपको बोल रहा हूँ, अगर आपको प्रो ट्रेडर की तरफ बनना है तो प्रो ट्रेडर अगर आप 50 क्वांटिटी से ट्रेड करते तो लगातार 3 महीना 50 क्वांटिटी से ट्रेड कीजिए, आपका लॉस भी होगा तो उसी हिसाब से लॉस होगा, प्रॉफिट भी होगा तो इस हिसाब से प्रॉफिट होगा। तो लगातार आप मान लीजिए 3 महीना आप प्रॉफिट में है 50 क्वांटिटी से, तो फिर 25 क्वांटिटी बढ़ाई, धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाई, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा कभी गलती ना करें कि 50 क्वांटिटी से ट्रेड कर ले, किसी 1000 क्वांटिटी से किसी दिन ट्रेड कर ले, किसी दिन 500 क्वांटिटी से ट्रेड कर ले, तो दोस्तों मेरे हिसाब से आप कभी ट्रेडर नहीं बन पाओगे, आपका लॉस होगा ही होगा। मान लीजिए आप छोटा क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे तो किसी दिन आपका प्रॉफिट होगा, आप बड़ा ट्रेडर से बड़ा क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे तो लॉस होगा, तो जो भी प्रॉफिट होगा सब लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि प्रो ट्रेडर कैसे सोचते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक एंड कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर कर ले, अक्सर लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, ये गलत बात है मेरे भाई, आप जरूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।